करने वालों, जमीन पर बेटियों की हालत देख लो। सरकार के कर्म पर चलने वाले हॉस्टल में बेटियों को कीड़ों वाला भोजन खिलाया जा रहा है। हॉस्टल में कीड़े वाला भोजन, निरीक्षण का नाम सुनते ही लीपा पोती। छात्राओं ने दिखाया हॉस्टल का सच। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हवा में उछाला जा रहा है। दीवारों पे चिपके इश्तेहार बेटियों की उड़ान में हौसला भर रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्टल में हकारत की जिंदगी जीने को मजबूर इन बेटियों का दर्द सुनकर आप सिहर उठेंगे। सरकार के कर्म पर पलने वाले चमकते बंगलों और एसी कमरों में बैठकर नारे लगाने वाले अधिकारी देखें। सरकार के कर्म पर चलने वाले सरकारी हॉस्टल में बेटियों को कीड़े वाला खाना परोसा जा रहा है। इस सड़ी गली भिंडी को देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी ये ना खाए। दूध में पानी मिलाकर बेटियों की परवाज को काटा जा रहा है। जयपुर के गांधीनगर के सावित्रीबाई फुले हॉस्टल की तस्वीर कई बार अधिकारियों को दिखाई गई, लेकिन फाइव स्टार होटल में खाना खाने वाले अधिकारियों को सरकारी हॉस्टल की सड़ी व्यवस्था पर तरस भी नहीं आता। जिस दिन अधिकारी लोग आते हैं उसी दिन, जिस दिन अधिकारी लोग आएंगे उसी दिन चमकाया जाता है हॉस्टल को। अदरवाइज हॉस्टल की जो कंडीशन रहती है उन लोगों को ही पता है। और मैडम एक या दो दिन फिलहाल लाती है और लगा देते हैं उसको और एक दिन चमका देते हैं। ये SC ST का हॉस्टल है, फर्स्ट प्रायोरिटी SC ST गर्ल्स को मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे ये हो रहा है, पहले जर्नल वाली लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। लड़कियां पहले एक साल बिना एडमिशन के रह रही है, जो 70-70 BPL में है, 70% 80% है, उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। मैम बस एक ही बहाना दे रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, सब्जी महंगी है, टमाटर महंगा है, पालक गंदा है, पालक फटा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है। अब जरा ये माजरा भी देख लीजिए, अधिकारियों के निरीक्षण की बात सुनकर हॉस्टल अधीक्षक कीड़ों पर कालीन बिछाने लगे तो नौकर को कीड़े वाला किचन साफ करने को भेज दिया, लेकिन बेटियों ने सब कुछ पकड़ लिया। आप चले जाओ, आप चले जाओ, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे। कोई नहीं ना था, अधिकारी का नाम आते ही मैडम ने भेज दिया। मेरे घर पर डिलीवरी हुई इसलिए मैं खुद लेट हुआ। तो ठीक है, आपकी वजह से ठीक है, आप नहीं करोगे बट काम। मैडम को बोल दो कि लड़कियां काम नहीं करने दे रही मुझे, मेरा नाम ले। अधिकारी आएंगे वही देखेंगे कंडीशन, फिर उसी के पास। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकारी आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अधिकारी वही चीज देखे जो उनको हमें दिखानी है, वो नहीं जो मैडम दिखाना चाहती है। हॉस्टल अधीक्षक मंजू वर्मा की दलील सुनकर लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। मैडम झूठ भी सही से नहीं बोल पाए, कहती है बजट नहीं है। मैडम को कौन समझाए कि दाल सब्जी और भात में कीड़े निकलने के लिए किस बजट की जरूरत होती है, सिर्फ मन साफ करना होता है। मैडम जी जरा सुन लीजिए, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी सरकारी बालिका छात्रावास में खाने में कीड़े निकलते रहे हैं और आप अपनी लापरवाही पर पर्दा डालती रही हैं। मैंने लिख के दे रखा है आगे उच्च अधिकारियों का, तो ये कह रहे हैं बजट अभी आया नहीं, बजट आते टंकियां नहीं रखवा दी जाएगी तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। खाने में सर सब कुछ मिल रहा है सर, जो भी चीज अवेलेबल है यहाँ पे, दाल रोटी दूध नहीं सर, कोई दूध कटावा नहीं मिलता है सर, सब कुछ ओके है, क्वालिटी सब अच्छी है सर, सारे खाने वाले कभी भी आके कोई भी देख ले, कभी भी चेक कर सकते। अब जरा सोचिए, बेटियों के हौसले में पर बांधने की बातें करने वाले बेटियों को ऐसा खाना परोस रहे हैं जिनसे वो कभी उड़ान तो नहीं भर पाएंगी। अधिकारियों के कॉलर पकड़ते सवाल कहते हैं कि बताओ ऐसे मुल्क की बेटियां कैसे पढ़ेंगी, और अगर ऐसे पढ़ेंगी तो क्या वाकई में आगे बढ़ेंगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।